ओम शांति। आज 4 सितंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को पूरा स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। सतयुग से लेकर संगम युग तक किस तरह ये चक्र फिरता है। पहले निर्विकारी होते हैं, फिर द्वापर के बाद कैसे रावण राज्य आकर के मनुष्य बनकर और फिर विकारी बनते जाते हैं। काम क्रोध आदि भूत आने लगते हैं और काम का भूत सबसे बड़े ते बड़ा भूत है, जिसमें मनुष्य जब गिरते हैं तो जैसे 5वें मंजिल से नीचे गिर रहे हैं। तो बाबा कहे, अब तुम बच्चों को पुनः निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना है और उसके लिए बाबा आकर के हम बच्चों को सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई है ही मनुष्य से देव बनने के लिए, नई राजधानी की स्थापना करने की ये पढ़ाई है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए, इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर है, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई, इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। ये नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इस पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, हम आत्मा है न कि शरीर। इनको कहा जाता है देही अभिमानी। ये अवस्था को कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब है देह अभिमानी। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है। सतयुग पास्ट हो गया है, वहां सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं, हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्म के बाद फिर पतित बने हैं। हम इतने श्रेष्ठ थे फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं, वही पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया नया भारत कहा जाता था। बाबा कहे, जब ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो यही भारत नई दुनिया नया भारत कहा जाता था। अभी है पुरानी दुनिया पुराना भारत। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे। सतयुग के अंदर नए भारत में सब संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकारी नहीं थे। वह देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, ये सब कड़ी भूत है। इनमें मुख्य है देह अभिमान का भूत। रावण का राज्य है ना, तो देह अभिमान का भूत है मुख्य। यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में ये भूत नहीं थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। द्वापर के बाद वह भी
विकारों में आ गए। तुम जानते हो हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। सतयुग त्रेता को कहा जाता है राम राज्य, द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहां हर एक नर नारी में 5 विकार है। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया। अब गोरा मुंह होना मुश्किल है, 5 मंजिल से गिरने जैसा है, हड्डियां टूट जाती है। गीता में भी है भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र है, उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। सतयुग में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, आयु बड़ी थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। तुमको स्मृति आई है, बाबा ने अब हम बच्चों को स्मृति दिलाई है। हम देवताएं बहुत सुखी थे, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, काल का डर रहता नहीं, वहां हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहती है। नरक में हैप्पीनेस होती नहीं, कुछ न कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। बाबा कहे कुछ न कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। यह है अपार दुखों की दुनिया, वह है अपार सुखों की दुनिया। पूरा चक्र बाबा भिन्न भिन्न रूप से लगवा रहे हैं। तो वह है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़ी रचेंगे, बाप ने तो सुख की दुनिया रची है। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख शांति मिली। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। विकार में जाना गोया 1-2 पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते हैं ये तो भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, ये रावण की रचना है। विकार ये रावण की रचना है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहां काम कटारी होती नहीं। ऐसे नहीं दुख सुख भगवान देता है। अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा? वह तो कहते हैं मैं सुखों का वर्षा देता हूं। फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं। सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे। बाबा स्मृति दिलाते हैं सतयुग में अथाह सुख थे, माला माल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरत थे। जिसको 17 बार लूटा गया तो कितने हीरे जवाहरत होंगे द्वापर के आदि में, तो सतयुग त्रेता में क्या होगा। भारत इतना सॉल्वेंट था, अर्थात भरपूर था, अभी तो इनसॉल्वेंट खाली हो गया, खोखला हो गया है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट, कलयुग में 100% इनसॉल्वेंट। ये खेल बना हुआ है। अभी है आयरन एज, खाद पड़ते पड़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। कितना दुख है, ये एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं। इनको कहा जाता है माया का पंप। तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया है, परंतु यह है रावण का स्वर्ग।
बाबा कहे ये है रावण का स्वर्ग। कलयुग में माया का पंप देख तुम्हारे पास मुश्किल आती है, लोग भी मुश्किल आते हैं, समझते हैं हमारे पास तो महल मोटर आदि है। बाप कहते हैं स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है, अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था, नई दुनिया में होते ही है 9 लाख देवता है, बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं, सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे, तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं। बाप बिगर और कोई बतला ना सके, उन्हों को कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर। परमात्मा को कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर, सब आत्माओं का फादर। आत्माएं सब भाई भाई है, फिर भाई और बहन बनती है। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन, सभी आत्माएं उनकी संतान तो है ही। उनको कहा जाता है परम पिता, उनका नाम है शिव। बस बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्य ने बहुत मंदिर बनाए हैं, तो बहुत नाम रख दिए हैं। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। भक्ति की सामग्री इतनी ढेर है तो उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, ही नीचे उतरने की। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है सबको। जब एकदम तमो प्रधान बन जाए तो फिर सतो प्रधान बनना है सबको। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। ये अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है, बाबा तुम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूं। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे, गंगा को पतित पावनी समझते हैं। कुएं से पानी निकला उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं, गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा पर वह कोई पहाड़ी पर जाएंगे उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे, वहां भी पानी देखेंगे गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है झूठ, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में सब है झूठ बोलने वाले, गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं, वहां झूठ की बात नहीं होती। स्वर्ग में झूठ की बात नहीं होती। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो है आसुरी राज्य, सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य जो अब स्थापन हो रहा है। ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं, देवताओं में कोई विकार होता नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहां सब है पापी कामी क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नरक कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई भी बना न सके। यहां सब है नरकवासी पतित, सतयुग में है पावन। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। सतयुग में ऐसे कोई नहीं कहेंगे हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बीज रूप है भगवान, वही रचना रचते हैं।
पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म एक राज्य था, सुख ही सुख था, मनुष्य चाहते भी है विश्व में शांति हो, वह अभी तुम स्थापन कर रहे हो, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है, अभी है कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। इसको कहा जाता है क्या, इस पुरुषोत्तम संगम युग को कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है, तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सतयुग में मिलेगा। पढ़ाई यहां पढ़ते हैं, फल सतयुग में मिलेगा। यहां जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कहां होती नहीं, यहां जैसी पढ़ाई कहां होती नहीं। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर वहां कम पद पाएंगे। जो संपूर्ण बन औरों को भी पढ़ाएंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स है, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे। बाबा की भविष्यवाणी सुनो, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे। अभी तो फिर भी हजारों में है। सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। ये महावाक्य उस समय के हैं जबकि विदेश की सेवा भी आरंभ नहीं हुई थी। तो बाबा कहे सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, वह है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप ही आकर पढ़ाते हैं, यह नहीं पढ़ाते, ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते, इनके द्वारा वह पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत शाहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाता है। सतयुग में कोई बीमार नहीं पड़ते, वहां हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यहाँ भल धन है परंतु बीमारियां आदि है, वह हैप्पीनेस रह न सके। बीमार होंगे तो कैसे हैप्पी रहेंगे, कुछ न कुछ दुख रहता है। उनका तो नाम ही है सुख धाम, स्वर्ग, पैराडाइज। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया, ये कोई भी नहीं जानते। ये भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन है, रावण राज्य है, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लड़ते रहते हैं। वहां तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, वहां वजीर आदि होते नहीं। यहां तो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअकल है तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित है। पतित को पतित मिले कर कर लंबे हाथ, बाबा कहे पतित को पतित मिले कर कर लंबे हाथ, ऐसी कहावत है। कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तुम वहां जाकर सब अनुभव करके आते हो। सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। बाप कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अभी है विकारी दुनिया। फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। यह स्कूल है,
भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं, तुम भविष्य में यह बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती, राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती। बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सतगुरु एक ही शिव बाबा है। बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए, भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, यह है भारत का नंबर वन दुश्मन। रावण ने कैसे असुर बना दिया है, आज मनुष्य को देखो कैसे असुर बना दिया है। इनका राज्य 2500 वर्ष चलता है। तुमको बाप कहते हैं, मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूं। रावण तुमको दुखधाम में ले जाते हैं। तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है, अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है, अनेक बीमारियां होती रहती है। वहां ऐसी कोई बात नहीं होती, नाम ही है स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित है, तो देवता कहलाने लायक नहीं है। बाप इस रथ द्वारा बैठ समझाते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं, तुमको पढ़ाने तो यह भी पढ़ते हैं। जब शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं तो बाबा के इनके बाजू में होने कारण यह भी पढ़ते हैं। हम सब स्टूडेंट्स है, एक बाप ही टीचर है। अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर आकर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ये ज्ञान, ये पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। पढ़कर तुम देवता बने, 2500 वर्ष सुख का वर्षा लिया, फिर है दुख। 2500 सुख का वर्षा लिया, फिर है दुख, रावण का श्राप। अभी भारत बहुत दुखी है, यह है दुख धाम। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़ी निकलती है। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वो फेल होते हैं। जो पास विथ ऑनर होते हैं वो तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और फिर दूसरों को बनाते हैं तो यह प्राइज लेते हैं। माला होती है 8 की, माला होती है 8 की, वह है पास विथ ऑनर। फिर 108 की माला भी होती है, वह माला भी सिमरी जाती है। 108 की माला भी सिमरी जाती है। मनुष्य इसका रहस्य थोड़ी समझते हैं। माला के ऊपर है फूल, फिर होता है डबल दाना मेरु। स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। ये पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। फिर यहां से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूजते हैं। वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। विकारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता, यह खेल बना हुआ है। यह है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। अब कहे यह है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है, सो एक बाप ही समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही है, बाबा कहे भगवान तो एक ही है। वही आकर के हम बच्चों को ये सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका राज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश है उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव, जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी ही माया का आवाहन करती है। हमारी अपनी कमजोरी ही माया का आवाहन करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देंगी, इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। सदा छत्र छाया के नीचे रहो। आज का स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। अच्छा, ओम शांति।